स्कूल भी अच्छा खासा लंबा मेरे भाई। तो भैया वो नवीन बाल्टी लेके जा रहा है पानी की भर के, वो अमित खड़ा हो देखो वेट कर रहा है फ्रेश होने के बाद, पानी नहीं है उसके पास। तो भैया सामान तो अभी ऐसे बिखरा हुआ, हमने ज़्यादा ठंड तो लगी नहीं, बच गए थोड़े भगवान की दया से। और सामान निकाल रहे हम अपने टेंट से, बस अब टेंट को पैकअप करेंगे। तो भैया इतना सामान हो गया हमारा। तो भैया हम प्रॉपर हिमाचल में आ चुके हैं, सी मैन वाटर व्यू, सूर्योदय भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ से निकलने की तैयारी। तो भैया सामान लोड कर रहे हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से चूड़दार के लिए, आज ही ट्रैकिंग करेंगे हम। अब चलिए फिर चलते हैं। हमने यहाँ पर स्टे किया था, अब हम जा रहे हैं आगे को पुलवाल साइड, वहाँ पे चाय कॉफ़ी लेंगे, फिर थोड़ा सा आगे ट्रैकिंग है, वहाँ से ट्रैकिंग शुरू करेंगे चूड़दार की। तो भैया पूरा एडवेंचर राइड हो रही है हमारी, चूड़दार की पीक दिख रही होगी आपको, पूरी बर्फ से ढकी हुई है, वहां पर हमें जाना सामने। तो भैया ये है नोरा खड जीरो, पहले थोड़ा नीचे से था पुल, यहाँ पे ऊपर से बारिश तेज होने की वजह से सब कुछ बह के आ गया था, तो अभी अलग रास्ता बनाया है। रोड की हालत यार थोड़ी ख़राब है, लेकिन चलो पहाड़ में रोड टूटते फूटते रहते हैं बारिश की वजह से। जय बनीउरा बाबा की जय हो। सो गाइस अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं फिर बाइक से आ रहे हैं, तो यहाँ से पुल वाल से थोड़ा सा पीछे से लेफ्ट टर्न, आप यहाँ से लेफ्ट हो जाइए। ये रोड अच्छा खासा खुला और चौड़ा रोड है, ये आपको सरा ले जाएगा और उससे थोड़ा सा पीछे चूड़दार का ट्रैक शुरू होता है, तो आपको वहां तक जाना है। लेकिन गाइज हम लोग पुलवाल की मार्केट से होते हुए जाएंगे, जो कि काफी बढ़िया रास्ता है, एडवेंचर रास्ता है। जो लोग नीचे से हैं वो लोग इस रास्ते को ट्राई ना करें। एंड गाइज जिस रूट से हम जा रहे हैं वो आपको वीडियो में दिख जाएगा कि कितना टफ रूट है। तो भैया हम पहुंच गए पुलवाल के बस स्टैंड पे, आप देख रहे हैं मेरे पीछे चाय पीने के लिए रुके हैं, थोड़ा पीछे से आए थे, तो अब यहाँ मतलब कि हो गया हमें 45 मिनट चलाते चलाते, स्पीड एक्टिवा उठा नहीं रही है, 20-20 की स्पीड पे चल रही है। तो पहुंच गए पुलवाल और यहाँ का व्यू देखो गाइस। वैसे हमारा स्टॉप यहाँ पे होना था, वो जो स्कूल आप देख रहे हैं उसका ग्राउंड है, तो यहाँ कैंपिंग करनी थी हमने रात को, तो काफ़ी लेट हो गए थे इस वजह से, फिर हमने रुकना पड़ा वहीं पर, खाना खुना भी खाना था। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, यू कैन सी ये है पुलवाल का बस स्टैंड एंड ये डॉग आगे। नदी देखो कितनी प्यारी लग रही है और ये यहाँ फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है। तो भैया चाय के लिए रुके हुए हैं, चाय पी के फिर निकलेंगे आगे को। और कपड़े देखो ऐसे रहेंगे हम अपने मिट्टी में, और ऐसे ही जाएंगे हम, बाल बिखरे बिखरे काम कुछ नहीं है, नाना किसी ने नालो नाला किसी ने। मारेगा क्या? ये देखो कुत्ते देखो क्या मस्त लग रहे। सो हेयर इज अवर गुड मॉर्निंग टी विद पार्ले जी बिस्किट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो भैया पुलवाल की मार्केट क्रॉस कर रहे हैं हम, क्या हुआ क्या हुआ? बैग। कौन सा बैग? नवीन वाला बैग। मोदी जान ले क्या फिर
तुम्हारा ये रहता कुछ ना कुछ रह जाता, वो बैग लेने जा रहा हूँ दौड़ के। तो अभी यार रात से कुछ ना कुछ छूट ही रहा है, कभी बैग छूट रहा है, कभी टेंट छूट रहा है, और वो लोग रुके भी नहीं, आगे चले गए मेरे यार। चलो तो भैया बैग ले आया, ये महाराज बैग भूल गया था। अब एक्टिवा उठ रही है। ओ भाई पैर पैरों से वो लगाना पड़ रहा है, थोड़ा आगे को झुकाव कर लिया अभी तक, ले थोड़ा आगे को झुक जा, आगे को यहाँ पे वहाँ टायर का एक्टिवा का आगे का टायर उठी आ रहा बार बार। हाँ मतलब किसी ने रास्ता, अबे धक्का मारो उतर नीचे, किसी ने सही कहा था रास्ते में कि बड़ी गंदी जगह है। एक काम कर, ये ये देखो भाई बुरा हाल है, ये उल्टा वापस आ रहा है, इसे ब्रेक नहीं लग रहे इसके। मोशन बना के चढ़ाना पड़ेगा, मोशन बना के चक्कर पड़ रहे हो। बहुत बहुत डेंजरस रास्ता भाई, कोई गलती से भी भाई इस रास्ते को ट्राई मत करना, हमने गलती कर दी है, तुम लोग मत करना, अब गलती करके भी पूरा करेंगे हम। देख के मोशन बना के रखना पड़ेगा, मोशन नहीं टूटना चाहिए, एक्टिवा करने से रुक जाएगी। ओ भाई कैमरा भी स्टेबल नहीं कर पा रहे हम लोग। भैया चूड़दार के लिए ऊपर से गिरा है। सारी चीजें गिराते गिराते चल रहे हैं, हैं? हम वैसे गलत जगह खड़े हो गए मोड़ के ऊपर, जगह नहीं है, गाड़ी बड़ा कुछ आ रहा है, गाड़ी आएगी तो रुकवानी पड़ेगी। गाड़ी कहां से आ जाएगी यहां? गाड़ी आती है मेरे भाई, यहां गाड़ी आ नहीं सकती, वो आती है मेरे भाई गाड़ी, क्या बात कर रहा है, ये गाड़ी के लिए रास्ता है। किसने कह दिया गाड़ी पे शर्त लगा ले, तू पूछ ले जिस बंदे से तूने पूछा। अच्छा यहाँ पे घर है, वो देखो यार क्या व्यू है यहाँ का, चूड़दार की पहाड़ी वो है,
दिख रही है हमें, है ना भाई? ऐसा है तुम पीछे रहने हो, बेरने के के गिरेगा तभी तो, ठीक है यार ये। तो ध्यान कौन रखेगा? अब एक ही सेकंड हमें ध्यान रखता है तो और क्या यार, ध्यान तो रखना पड़ता है। अभी इतनी मस्ती मत करो ना कि सामान पीछे रह जाए, बैग छोड़ाया, ये कल टेंट गिर आया मतलब कि चोट दर जाते जाते कुछ ना कुछ खो के आना ही है, है ना? कभी मैट गिर रहे, कभी कुछ गिर टापा गिर रहा। अरे चेन ढंग से बंद करो ना, ऐसे तो ना होता है, हर चीज का वो होता तरीका होता है। लेकिन एक बात है, मोदी एक्टिवा चढ़ गई भाई, जो मर्जी है एक्टिवा तो ठीक है, तो सारी बात छोड़ यार, ये देख दो कि रास्ता कितना प्यारा यार ये। हां रास्ता देखो जी भाई, कितना प्यारा रास्ता है, फुल चढ़ाई चढ़ाई जा रही है, एक्टिवा भी सड़ाई मार रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो छोटा इंजन है ना, थोड़ा 100 cc का ही तो है इंजन, थोड़ा हम भी अपने इधर पैर ढीले कर लेते हैं। तो ऐसा रास्ता भाई साहब, सो गाइस व्यू देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ का, चूड़दार अभी पहुंचे नहीं हम, रुकते रुकाते जा रहे हैं क्योंकि एक्टिवा इंजन गर्म हो जाता है, पूरी चढ़ाई चढ़ाई चल रही है, छोटा इंजन है ये तो चल गियर में चढ़ भी जाएगी वो, ये ज्यादा जवाब दे रही है भाई, वो फिर भी ताकतवर है ये वो न्यू है ना, इस वजह से नहीं है ना, इस वजह से हो रहा है। तो नहीं है वैसे रास्ता देखो यार, पूरा चढ़ाई आगे भी चढ़ाई चढ़ाई है पूरी, ठीक है। दो मिनट के लिए रुके ताकि इसको थोड़ा आराम मिल जाए और फिर अपने चढ़ाई शुरू करेंगे। अरे यहाँ पे थोड़ी फोटो सेशन भी कर लेते हैं। तो भैया हम लोग भटक चुके हैं, रास्ता गलत पकड़ चुके हैं और हम गिर भी चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए ये भी ढीला हो गया सब ढीला हो गया, इसके कान ढीले हो गए एक्टिवा के। ओह मेरा हाथ इधर लगा मेरा, अबे चढ़ेगी कैसे किचड़ में से, ये देखो ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, हाँ धक्का मारना पड़ेगा एक बंदे को ढिले हो गए क्या यार, कान तो लगे नहीं, तो मेरा हाथ तो लगा। अरे कान लगाए कितने, क्या हुआ? रास्ते में भी कान लगाने ही पड़ते, उतार लो क्या कान? ना ना रहने टाइट कर दे बस ऐसे, ठीक है भाई इसका डबल सिस्टम है, ये ऊपर ये टाइट करना पड़ेगा। अच्छा बस दो सिस्टम है, नीचे वाला भी एक, अच्छा दो चाबियों से करता है, पता नहीं किससे करते हैं, ठीक है ऐसे 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 रहने दे, उतार के रख दो अंदर, ना रहने दे कहाँ रखेगा, लटके रहने दे कोई बात नहीं, देखने काम आएगा। चूड़दार तो क्या पहुंचेगा, पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। क्यों खोल रहा है, क्यों क्यों मजे ले रहा है इसके, ढिल्ला ही हो गया अब तो। हाँ तो वो ही बोल रहा ना, इसने छेड़ के भी बिल्कुल ढीला कर दिया। किसका? कुछ नहीं करना, लटके रहने दे इसको, अबे नहीं निकल गया, साला गिर जाए ऐसे, कैसे गिर जाएगा मैं देख नहीं रहा, हम भी तो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वापिस जा रहे हैं, वहाँ से जो कैंची बनी हुई थी वहाँ से ऊपर जाना था, हम गलत आ गए। मेरे को भी लग रहा था, फीलिंग आ रही थी ऊपर वाला रास्ता है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों थोड़ा वो हो गया, बैग पूरा ही हो गया अभी लग गया पता मेरे को। तो भैया आ तो गए हम, लेकिन रास्ता ऐसा है किचड़ है ना, जो स्किट करता है और पूरी चढ़ाई चढ़ाई है, वो देखो मोदी भाई भी फंस गए, गिर गए थे अभी वहाँ पे। गाड़ी गाड़ी तो मुश्किल है भाई, गाड़ी भी है ना, चार पांच बंदे हो ना तब धक्का मार के चढ़ा सकते हैं। हाँ इधर तो जाएगी, इस रूट पे नहीं भाई गाड़ी कामयाब। देखियो बड़ी ये पिकअप पिकअप निकली हुई है, थार जा सकते हैं, हाँ थार जा सकती है, ये दिक्कत है इस रूट में ना, वो पिकअप फंसी हुई थी वहाँ पे। तो भैया पूरा एडवेंचर ड्राइव हो रहा हमारा, खतरनाक रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं आप। हाँ यहीं से ऊपर को है चूड़दार के लिए जी। अच्छा यहाँ से ऊपर को ना, गाड़ी गुड़ी यहीं खड़ी कर दें, ठीक है ठीक। सो गाइज पार्किंग में लगा दी हमने एक्टिवा, यहाँ तीन एक्टिवा पहले से खड़ी थी, हमने भी अपनी खड़ी कर दी यहाँ पे। तो ऐसा कुछ एरिया ये शायद चौपाल से आता है उधर से, हाँ, और हमें यहाँ से ऊपर को जाना है चूड़दार के लिए,
ऊपर नहीं, ऊपर को यार, ऊपर को घंटी से ऊपर को है। ठीक है, हेलमेट ले आओ सारे, चारों हेलमेट लिया, आ जा मोदी। यहाँ पे ढाबा है भाई, इधर है कि बाहर है? जहाँ दिल करे वहाँ बैठ जाओ। अच्छा जी, ठीक है बाहर बैठते हैं। कुछ लेना है खाना पीना पूछ लो, क्या लेना तुमने? देखते हैं क्या मिलता, क्या क्या मिलता पूछो। तो भैया चाय पी रहे हैं, फिर यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करेंगे चोटदार के लिए। तो यहाँ से भाई ट्रैक शुरू होता है पुलवाल की साइड से, सुनो दिख रही होगी आपको उधर ऊपर, उधर को जाना हमें नहीं चोटदार से आए तो फिर हम कौन से रास्ते जाएं वापस चंडीगढ़ को? इधर से आए, इधर से नीचे से आए, पुलवाल से आए हम, इधर से नीचे से सरा से। तो मेरे पास सूटेबल ही है, मैं तो खुद सोलन रहता हूँ ना। अच्छा, मैं रात को आया था। अच्छा, तो मैं तो लोकल आदमी यहाँ का। ओके ओके, मेरे तो ये इधर से, और मेरे पास ये आपको शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। हाँ। ठीक है, तो सोलन कितने किलोमीटर है यहाँ? तो ये भी, तो ये रोड भी पुलवाल निकलता है क्या, ये वाला? हाँ ये पुलवाल पीछे मार्केट के पीछे से। ओके, पुलवाल गए थे पहले, आए थे वहीं से, आए हम पुलवाल से, वो ये रूट ही वो है। ये ना एक नया रास्ता बनना कट जाता 4-5 किलोमीटर का शॉर्टकट। अच्छा, आप यहाँ से आए, इधर से? पर यहाँ गाड़ी में मुश्किल है, मतलब थोड़ा दिक्कत है गाड़ी की। अच्छा, गाड़ी की? नहीं नहीं, यहाँ से जाना, यहाँ से मेरे खुद यार सेल्फ ले रही गाड़ी। अच्छा अच्छा, धक्का मारे क्या फिर सर? आप थोड़ा गर्म होगी, होगी गर्म भी होगी, गर्म होगी, पानी डालो उसके अंदर। सेल्फ नहीं है तो खड़ी है ना पूरी रात से? तो रात से खड़ी थी, सुबह जब स्टार्ट की ना तो स्टार्ट नहीं, बैटरी की दिक्कत, धक्का मार, धक्का मार रहे हैं। तो चल के आई है ना, चल गए, पर अब दोबारा स्टार्ट कर, स्टार्ट नहीं हो रही। धक्का मार, धक्का मार देते हैं, धक्का मार देते हैं। अरे भाई आपको कैसे बोलूं मैं, कोई बात नहीं, हम ऐसे कुछ नहीं थोड़ी है। अच्छा, आप चंडीगढ़ से आए हो? अच्छा, अमित तो यहाँ रुक जा, मोनेरिंग का काम करते हो? कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बाकी ठीक है, चलो आ गए लोग, कुछ मेरे मिल जाएगा वहाँ। मैं सोचा मैं नीचे तो धक्के से स्टार्ट कर ली थी हमने। अच्छा, मैं अब तो हो जाएगी बैटरी चार्ज ना, चल पड़ेगा, पर पता नहीं। हेलो हेलो, दिलीप सिंह रिहाट। अरे दिलीप, आप कहाँ से? हाँ घर की तरफ है, तो हाँ प्लीज आप जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।